सिरिंज से मेहंदी कैसे लग सकती है, कहाँ से ये बाय करनी है, क्या करना है, सिरिंज को लेके बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं खुद कंफ्यूज थी, फिर मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया और अब सिरिंज से मेहंदी लगाने का जो सामान है वो मेरे हाथ में है। मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही इसको खोलूंगी और इस्तेमाल करके देखूंगी कि हम क्या कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। जी हाँ, मैंने अनबॉक्सिंग तो किया है लेकिन इसको इस्तेमाल अभी नहीं किया है। मैंने सोचा मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगी, कैमरे पर रिकॉर्डिंग करूंगी और आपके सामने ही हम देखेंगे कि इसे क्या होता है। ये कोन मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाला है तो अभी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम कोन से नहीं लगा रहे हैं लेकिन मेरे पास सारी मेहंदी कोन के अंदर ही है तो इसी मेहंदी को हमें इस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, देख लेते हैं क्या क्या सामान आया है। ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से। बहुत सारे लोगों ने इसकी फ़ोटो भेजी, बहुत सारे यूट्यूबर इसका इस्तेमाल करके मेहंदी लगा रहे हैं तो इसके बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। और जहाँ तक मुझे मालूम था कि मोरक्कन स्टाइल मेहंदी जो लगती है मोरक्को में, वहाँ के एरिया में जो मेहंदी लगती है वो सिरिंज से ही लगती है। और बहुत सारे आर्टिस्ट का ऐसा कहना था कि सिरिंज की जो मेहंदी लगती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हाथ उसमें रह जाते हैं, तकलीफ़ होती है हाथों में। तो कभी मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन जब ये चीज़ पॉपुलर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। ये जो मैंने पूरा मंगवाया है उसमें क्या क्या है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसी 4 बॉटल्स थी, 4 बॉटल्स थी। एक बॉटल मेरी बेटी ने निकाल ली है अपना कुछ काम करने के लिए। तो जी हाँ, ये 4 बॉटल्स थी। फिर उसके साथ ये 2 कैप है जो हमें इसके ऊपर लगानी है और ये सारी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की सिरिंज है। मुझे मालूम है आप लोग पूछोगे कि कितने का आया, कितने का लिया। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है। कितने का आया? तकरीबन तकरीबन $20 का आया जो इंडिया के 1200-1300 रुपये होते हैं शायद। अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें साथ में मंगवाई थी। तो हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है। ऐसा साइज़ का एक चार्ट भी आता है उसका कि कौन सी साइज़ की सिरिंज है। और एक्चुअली में ये जो टूल है वो डॉट पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, आर्ट में, एक्रिलिक पेंट भर के ये आर्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन किसी ने आइडिया लगाया कि अगर आर्ट में इस्तेमाल हो सकता है तो मेहंदी आर्ट में क्यों नहीं, तो ये चलने लगा है। तो इसमें ये प्रोसेस है कि इस तरह की बॉटल है, फिर आपको जो साइज़ की मेहंदी की लाइन चाहिए। मैं बहुत पतली वाली पहले नहीं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ी सी मोटी वाली मैं लेती हूँ। तो ये जो भी निडल आपको चाहिए उसको, हाँ, इसके अंदर इस तरह से फिट करना है। फिर ये कैप जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। और फिर आप इसको, हवा आ रही है मतलब मेहंदी भी आएगी, तो ऐसे मेहंदी लगा सकते हैं, ये मेरा अंदाज़ा है। तो चलिए इसको, जो हमारे पास पेस्ट है, देखिए फ्रीज़र से कोन निकलता है तो इस तरह का कुछ हो जाता है रेडी टू यूज़। जो जे ये जो कंडेंसेशन हो रहा है वो आप पोंछ लीजिए अच्छे से और आपका कोन रेडी टू यूज़ है। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो मैंने सोचा है साथ में ये भी दिखा देते हैं। मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी सी गीली मेहंदी होना तो ज़्यादा आसानी से निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है यहाँ से, क्योंकि कोन में थोड़ा सा प्रेशर डालो तो मेहंदी निकलने लगती है। बॉटल में ये भाग यहाँ से नहीं स्क्वीज़ होगा तो देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, अपने ही टुक्के में लड़ा रही हूँ। 1 मिनट, मुझे इसको काटने के लिए कैंची चाहिए होगी, वो मैं लेके आती हूँ आपसे ज़्यादा। तो मैं उत्सुक हूँ ये नए नए तरीके का इस्तेमाल करने के लिए।
अभी ये जो नॉर्मल मैं कोन में मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ ना, वही मेहंदी में पहले डाल के ट्राई करूँगी, क्योंकि वो पता चल जाए कि कंसिस्टेंसी किस तरह से इसमें काम करती है। तो ये मेरी रेगुलर कंसिस्टेंसी है, और मैं ये कोन से ये पूरी बॉटल तो नहीं भरेगी, लेकिन जितना भरता है उतना हम भर लेते हैं इसको। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी बॉटल भरेगी तो ज़्यादा अच्छे से ये चलेगा, लेकिन सारी टेस्ट हो जाएगी इसी बहाने। देखिए पहले तो नीचे नहीं जा रहा है उसको, नीचे लाते हैं। मेहंदी आ रही है, देखते हैं इसमें से निकलती है या नहीं। नहीं निकल रही है, यहाँ तक तो मेहंदी आ गई है, लेकिन सिरिंज में से बाहर नहीं निकल रही है। बहुत बहुत मुझे स्क्वीज करना पड़ रहा है। देखिए मैं दोनों हाथों से कर रही हूँ तब जाके ये कुछ बाहर आई है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे कोन की, अब इतना जोर लगा के तो मेहंदी हम लगा नहीं सकते। मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ तो पूरा एक्शन आपको दिखेगा। देखिए इतना जोर लगा के तो हम मेहंदी लगा नहीं सकते। तो मुझे लगता है या तो मुझे सिरिंज बदलनी पड़ेगी, सिरिंज बदलूंगी तो लाइन बहुत मोटी हो जाएगी, या तो इसके अंदर, पूरी मेहंदी को नीचे लाना पड़ेगा। मैंने जो वीडियो देखा उसमें तो लोग बहुत आसानी से इससे लगा रहे थे फटाफट से, तो कहीं पे तो हमारी गलती हो रही है। चलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, थोड़ा इसको लिक्विडी बनाते हैं। ऑलरेडी मेरी पेस्ट लिक्विडी होती है, मैं पानी भी लेके आई हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं। वैसे तो मेरी पेस्ट गीली होती है, लेकिन मुझे लगता है कि पेस्ट गीला होगा तभी इसमें काम करेगा। पूरा मैस हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छे से इसको हिला रही हूँ कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाए। आई होप ये काम कर जाए, वरना पूरा प्रोसेस मुझे वापस करना पड़ेगा। अब कुछ निकल रहा है, फिर भी मुझे दोनों हाथों से उसको करना पड़ रहा है। मैं एक्चुअली सिरिंज बदल के देख लेती हूँ, थोड़ी बड़ी वाली सिरिंज से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाए क्या हो रहा है।
पता नहीं लोग इतना आसानी से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये नहीं खुलना है। सिरिंज बदलने के लिए सिर्फ ये करना है। ये बड़ी सिरिंज के बाद कुछ एक्शन हो रही है और ये निकल रहा है इस तरह से, लेकिन इतनी बड़ी लाइन और इतनी गीली मेहंदी। देखिए मैंने सिरिंज चेंज किया है, इसके बाद आ रहा है, तो मैं वापस ये छोटी वाली सिरिंज डाल के देख लेती हूँ। छोटी वाली सिरिंज डालने से नहीं हो रहा है कुछ भी। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहंदी आपको भरनी पड़ेगी, तभी कुछ प्रेशर बनेगा। देखिए बड़ी सिरिंज से तो निकल रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा, इतनी मोटी वाली लाइन अगर हम हाथ में बनाते हैं तो बारीक मेहंदी नहीं पड़ेगी, प्लस हाथ में बहुत प्रेशर आ रहा है। कोन में जो काम आसानी से होता है, ये मुझे बहुत इसके ऊपर प्रेशर करना पड़ेगा। और मेहंदी गीली होने की वजह से फैलने का डर भी रहेगा अगर इतनी बड़ी मोटी लाइन है तो। मैं इस टिप को वॉश करके वापस हम चेक करते हैं, शायद इसमें कुछ अटक गया है इसलिए नहीं निकल रही है मेहंदी, तो हम थोड़ा सा इसको वॉश करके चेक कर लेते हैं, वरना जैसे मैंने कहा ये लाइन स्प्रेड हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको साफ़ किया है, अब देखते हैं। क्लीन करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए इस्तेमाल के बाद अगर क्लीन अच्छे से नहीं हुआ और मेहंदी इसके अंदर अटक गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये इतनी मेहनत मांग लेता है तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो जी नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो हाथ के ऊपर बहुत ही उसका प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़ोर से इसको दबाना पड़ रहा है। देखिए अब छोटी वाली सिरिंज से ये मेहंदी निकल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत ही गीली है मेहंदी, तो ये स्प्रेड हो रही है, लाइन बनाने के लिए शायद इसमें मेहंदी कम है इसीलिए भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर देना पड़ रहा है और शायद मुझे इसकी आदत नहीं है, इसीलिए मेरा काम भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देती हूँ, यहाँ से हाथ रखने की जगह बना लेती हूँ। तो शायद इस्तेमाल के बाद इसकी आदत हो भी जाए, लेकिन जिस तरह से ये गीली मेहंदी पे काम कर रहा है और प्रेशर का इसके ऊपर उपयोग हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मैं डेफिनेटली इसका इस्तेमाल आज के बाद कभी नहीं करूँगी। जो मैंने सुना था मोरक्कन स्टाइल मेहंदी जो लगाते हैं वो लोग इंजेक्शन से मेहंदी लगाते हैं, तो उनका कहना यही था कि हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और इससे कई बार हाथ में प्रॉब्लम हो जाता है। कोन बहुत ही स्मूथ होता है हाथ के लिए, तो जी हाँ देखिए।
गीली मेहंदी है, हो तो रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन प्रेशर बहुत लग रहा है बॉटल के ऊपर। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि हाथ दुख जाएंगे, मेरा मेन कंसर्न यही है कि हाथ दुख जाएंगे। इतने में ही मेरे हाथ अभी दर्द हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जो जो लोग ये सिरिंज के बारे में पूछ रहे थे, उनको पूरा एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बॉटल के ऊपर प्रेशर देना पड़ रहा है और ये जो गीली मेहंदी हमने की उसके बाद ही उसमें से निकलना शुरू हुआ, उसकी वजह से उसके कुछ चैलेंजेस हैं। तो अगर आपको इसके बावजूद ट्राई करना है, ट्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप ट्राई करो नया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आपको अच्छे से उसके ऊपर आपका हाथ बैठ भी जाए, मेरा नहीं बैठ रहा है क्योंकि मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे हाथों का मुझे कंसर्न है कि इतना ज़्यादा प्रेशर देके अगर मैं करती रहूँगी तो हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, खास करके हमारा जो ये थंब है, और वर्थ नहीं है। कौन है, मुझे बनाना आता है तो मेरे लिए ये वर्थ नहीं है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो आई होप मैंने जो भी ये सिरिंज के लेकर आप वीडियो बनाया है, आप लोगों को जो भी सवाल होंगे वो उसके आंसर आपको यहाँ से मिल गए होंगे कि सिरिंज से मेहंदी कैसे लगती है। मैं तो नहीं लगा पाई, शायद आप लगा पाओ। आपने अगर इस्तेमाल किया है, आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करना इस सिरिंज को लेके। इसी के साथ हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।